नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रकाश चित्र क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपको घड़ी के टॉपिक पर लेकर के आया हूं और यह मेरा तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। जी हाँ, आपके मन में यह हो रहा होगा कि बड़ा सर ये शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, होता तो ऐसे नहीं है। मैं आपको इसका लॉन्ग वर्जन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। अभी हम परीक्षाओं के मद्देनजर छोटा से छोटा वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं, ताकि आप जो है परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आने पर गलती ना कर सके। जनरली जो प्रश्न आते हैं मैंने उनको लिया है, उसके लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और सब्सक्राइब तो करना ही करना है और बेल आइकन का बटन दबाना होगा, ताकि आप आगे भी मेरे वीडियो को आराम से अच्छे से देख सकें। तो आइए, आज के मैं विषय पे चल रहा हूं। आज का विषय है, पार्ट तीसरा वीडियो है मेरा ये। आज का जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, जब घंटा और मिनट की सुइयां एक घंटे में, जानते हैं दोस्तों कुल मिलाकर के तीन स्थितियां बनती हैं। क्या होता है? पहला, ओवरलैप करती हैं सुइयां, यानी एक दूसरे के ऊपर आती हैं। एक अपोजिट करती हैं सुइयां, यानी घंटा और मिनट की सुइयां जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। और तीसरा क्या होता है कि एक घंटे में 90 डिग्री का कोण भी बनता है। जी हां, 90 डिग्री का कोण भी बनता है। आइए देखते हैं विवरण में मैंने, और यहां पे मैंने ये तीन बनाए हुए हैं। कॉपी कलम फटाफट लेकर के तैयार हो जाइए और इसे आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, नहीं होगा तो फिर आप इसको वीडियो को देखते रहिए और सवालों को करते रहिए। आइए देखिए, जब घंटा और मिनट की सुई ओवरलैप करेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर करेगी, जैसे 12 बजे का मैंने यहां पर देखिए बनाया हुआ है, 12 बजेगी यानी घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो उस समय कितने अंश का कोण होगा? 0 अंश का कोण होगा। ठीक है, एक घंटा में ऐसी स्थिति एक बार आएगी, तो 12 घंटा में ऐसी स्थिति 11 बार आएगी। हाँ, 12 बार आनी चाहिए, लेकिन यहां पे एक कम हो रहा है, मैं बताऊंगा कहां कम हो रहा है। 12 घंटा में 11 बार आएगा और 24 घंटा में 22 बार आएगा। ये हो गया। तो सर बना कहां, फिर कहां ये बन नहीं रहा है? तो ध्यान दीजिए, देखिए मेरे इस फिगर पे, एक और दो के बीच में, नहीं एक और दो थोड़ा सा गलत हो गया है, एक और दो गलत हो गया है। आइए देखते हैं, ये जो बनेगा आपका 12 और 1 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 12 और 1 के बीच में ऐसी घटना नहीं घटेगी कि जब घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आए। तो यही एक कम हो जा रहा है 12 घंटे में, तो 24 घंटे में दो बार कम हो रहा है, तो आपका फाइनल उत्तर आ रहा है एक घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार बनेगा। आइए देखते हैं दूसरा इसका, जब घंटा और मिनट की सुइयां अपोजिट होंगी, एक दूसरे के विपरीत में होंगी, तो कितना बजेगा? देखिए, अधिकतम मैंने यहां पे 6 बजे का ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 बजे घंटा की सुई इधर और मिनट की सुई इधर है, यानी कि जब विपरीत अवस्था में ये सुइयां रहेंगी तो अंश बनेगा 180 डिग्री का। देखिए, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 अंश का मान होता है, ये एक सरल रेखा के बनी हुई है 180 डिग्री का। एक घंटा में यह घटना एक बार घटेगी, 12 घंटा में यह घटना 11 बार, जी हाँ फिर से 11 बार, 12 बार नहीं घटेगी, कहां नहीं घटेगी मैं बताऊंगा आपको, 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो देख लेते हैं कहां यह घटना नहीं घटेगी, तो 6 और 7 के मध्य में यह घटना नहीं घटेगी। जी हाँ, आइए तीसरी स्थिति देखते हैं, 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनना, उसमें कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। एक घंटा में कितनी बार बनेगी यह घटना? दो बार होगी घटना, ये दो बार होगी। जी हां, एक घंटे में दोनों सुइयां आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण दो बार बनाती हैं, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। कहां पे यह नहीं बनेगी या एक बनेगा, मतलब दो से कम बनेगा? देखिए, यहां पर बराबर बनेगा, केवल दो समय ऐसे आएंगे जहां पर घंटे में दो बार ना हो करके केवल यह घटना एक बार घटेगी। जी हां, 1, 3 से 4 के बीच में यह घटना एक बार होगा, केवल एक बार, एक बार, और फिर 9 और 10 के बीच में यह घटना एक बार होगा, यानी कि यहां से एक कम हो रहा है और यहां से एक कम हो रहा है, इसीलिए
12 घंटा में यह 22 बार बनेगी और 24 घंटा में यह 44 बार बनेगी। दोस्तों घड़ी से संबंधित जितने भी सवाल आने चाहिए मैंने मोटी मोटा जो लगभग जनरली एग्जामों में पूछे जाते हैं, सेंट्रल लेवल के हो चाहे ग्रेजुएट लेवल के हो, मैंने आपको यहाँ पे करके बताए हैं, दिखाए हैं। आपके मन में सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि 7 से 6 के बीच में क्यों नहीं बन रहा है, 3 से 4 में एक ही क्यों बन रहा है, या 12 से 1 के बीच में नहीं बन रहा है, ऐसा आखिर में हो क्यों रहा है। उसके लिए आपको मेरा आने वाला एक वीडियो लॉन्ग वीडियो होगा जो घड़ी पर मैं लेकर के आऊंगा। संभवतः वो जो वीडियो होंगे वो घड़ी के लॉन्ग वर्जन में 2 वीडियो में आपको दूंगा, उसमें आप इसको देख पाएंगे कि कैसे नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, और अगर बनना है तो कैसे हम करेंगे इसका गणना कैलकुलेशन। क्योंकि ये पार्ट मेरा कुल बेसिकली थ्योरी पर आधारित था कि थ्योरी में यही पूछता है कि जब सुइयां घंटा और मिनट की एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो कुल कितनी बार एक घंटे में बनेंगी, तो एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। यही सवाल यहां से भी पूछे जाएंगे और यही सवाल ऐसे यहां से भी पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो ये मेरी कोचिंग क्लासेस हैं ये ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको देखते रहिए और जब भी वीडियो देखिए ना तो पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अंत में सब्सक्राइब भी करिए। और बेल आइकन का बटन तो भाई बोलना ही नहीं है, वो तो आप दबाएंगे ही दबाएंगे, मुझको पता है कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं, क्योंकि अगर नहीं दबाएंगे ना तो आपको आने वाले वीडियो नहीं मिल पाएंगे भाई, उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा। और अगर आप उसको सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो आपके डाटा ऑन करते ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, आपके मतलब रेलवे के एनटीपीसी नॉन टिपिकल पॉपुलर कैटेगरी भी आ चुके हैं, आने वाले हैं, होने वाले हैं, लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इन सभी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दे दोस्तों, इसको लगाने में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, और आप अपने उस क्वेश्चन को करके औरों की अपेक्षा स्माइल करेंगे। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं और नेक्स्ट जब भी ऐसा होगा मैं आपको पुनः आपके सामने में नया वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।